नमस्कार, मेरा नाम कनिका है। मैं कक्षा तीसरी बार की छात्रा। मेरे स्कूल का नाम केंद्रीय विद्यालय मस्जिद मोड़ संगठन है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, जंगल की कहानी। एक बार समय की बात है, एक जंगल में मोगली नाम का लड़का रहता था। वह आम बच्चा नहीं था, वह इंसान का ही बच्चा था और उसे भेड़ियों ने पाला था। जंगल के रास्तों के बारे में उसे भल्लू और बघीरे ने बताया था। तो भल्लू ने एक दिन मोगली से बोला कि तुम्हें अपने आप को बदलने की जरूरत है। तो मोगली ने कहा, मैं अपने आप को क्यों बदलूं? तो बघीरे ने गांव की बीच ही सुनाई। तो भल्लू ने कहा, जब तुम बहुत छोटे थे अपने माता पिता के साथ गांव में रहते थे, तो एक दिन शेर खान ने तुम्हारे गांव पे हमला कर दिया। तो गांव वाले शेर खान से बचने के लिए आपने शेर खान पे हमला किया, तो पूरे गांव में आग फैल गई। जब तुम्हारे पिता तुम्हें गोद में उठाकर जंगल की ओर भागे, तो रास्ते में उन्हें शेर खान मिल गया। तो शेर खान ने तुम्हारे पिता पे हमला कर दिया, तो तुम्हारे पिता ने शेर खान की एक आग जला दी, तो तुम्हारे पिता मर गए। और वह तुम्हें ही मारना चाहता था, पर तुम भटकते भटकते जंगल की ओर आ गए। और जंगल के प्रति प्रेम भाव देखकर ये शेर खान के लिए आसान नहीं था। ये सब बातें शेर खान सुन रहा था। तो उसने भल्लू से कहा, तुमने बहुत अच्छा करा ये सब बातें मोगली को बता के। तो शेर खान ने मोगली पे हमला किया, तो भल्लू मोगली को लेकर वहां से भाग निकला और बघीरा और शेर खान में लड़ाई हो गई।